पापा ने बोला ना हो, ऐसा हो सकता है। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में, और आज हम लेके आए एनिमल के सीन 4 का रिएक्शन। सो अभी तक कैसी लग रही है मूवी? अभी तक तो अच्छी लग रही है, बिकॉज इनमें केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है रश्मिका और रणबीर की, बट ये एग्रेशन है ये थोड़ा ज्यादा है। भाई मैं भी जब थिएटर में देख रहा था तो एकदम से देख के ऐसा लग रहा था कि रणबीर बहुत मतलब स्ट्रांग आ रहे हैं और बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे अब देखना होगा आगे क्या होता है। और मतलब अभी आगे तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी और इंटरेस्ट आएगा, उन्होंने ग्रेविटी एक्सपीरियंस करी है। हाँ, तो अभी और चीजें पता लगेंगी, तो आप लोग भी देखो, हम लोग भी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गलत माचो लोग आते हैं सब, एक तो गए आज वो सीख रखे हुए ना, स्पेशल इन्विटेशन चाहते हैं? अच्छा बात करो जल्दी। क्या रहता है, क्या करेगा चीजें के साथ? मार डालेगा और क्या करेगा, लव तो यही रहा है, क्या लेके जाएगा अपने साथ? अरे अभी भी उसको ईगो दिखा रहा है यार, पीजीए मेरा फेवरेट है यार, पूरी तरीके से मारा है। Zombieland. Crazy है यार ये लोग। कोई पुलिस नहीं, कोई कैमरा नहीं। जिस दिन चाचा जी पर अटैक हुआ उस शाम से वरुण ने इनको अपने होटल में चेक इन करा के रखा था, और इस गलत का सानू पता ही नहीं सी। किधर हो? इसका भाई कौन है ये? जो रूप रूप जिसको पसंद कर रही थी। मुझे लगा था इंटरवल हो गया। नहीं, मैं समझ नहीं। पिताजी प्लीज, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मैं भी कुछ और सोच रही हूँ, पर हमारी सोच मैच नहीं कर रही। What happened to you? क्या ही? तुझे लग रहा है हमारे बीच में प्यार कम हो गया? तो क्यों पहना ये? Are you going for that 7-year age theory? वो तेरी डिवोर्सी कजिन रिलेशनशिप एडवाइस दे रही है? ये कॉस्ट्यूम है गीतांजलि, ये कपड़े नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डोंट यू नो मी, आई विल बी ऑन जस्ट लाइक दिस व्हेनेवर यू वांट, जस्ट लाइक दिस दिस। अब उसका रिप्लाई बढ़िया आता है। ओह तो क्या हो ना, चल चल अभी बोलो क्या हो, व्हाट हैपेंड, लुक इन द वे यू सेइंग दैट whenever you want, matlab you don't want, tell me when was the last time we did it? Abhi kya na kya ho gaya hai hamari zindagi ko, bacche bulletproof car mein school jate hain, playground mein guns bandook pakad ke khade rehte hain, you think normal people live like this? हम नॉर्मल लोग नहीं हैं। घर में जो हुआ उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना इज नॉट अ जोक,
और वो सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं मेरे भाई हैं, जो पेड़ में अपनी फैमिलीज को छोड़ के हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने आए हैं। Do you call them security guards anymore? I feel like I've been replaced by your cousins. ये लेक्चर्स बहुत देता है, हाँ ये मेरे को नहीं अच्छा लगा ये। अल्फा मेल। चलो उठो वॉशरूम में करते। अच्छे सोने वॉशरूम में करते कमाल। ठीक है सोफे पे करते, चलो। इतने डिस्कशन के बाद मूड नहीं है, ठीक है? दो मिनट में तेरा मूड बदल लूँगा, कहो। Shall I call for the plane again? Is that possible? Yeah. लेकिन बच्चों का क्या? जैसे बच्चे सो रहे हैं, सुबह तक उठने वाले नहीं। Oh. लेकिन अब she wants to take care of the kids. चले क्या? ये नॉर्मल है। तू जीत गया। पापा। Oh. Right time. किसने बुलाया मतलब? क्या हुआ दीदी? उसका पति नहीं मिल रहा है, घर नहीं आया है, 5-6 घंटे से आदमी ड्राइंग फोन में जा रहा है। Nobody knows where he is. 10 बार उसके भाई को कॉल कर दिया, उसका भी फोन ऑफ जा रहा है। मामा, there's no point coming and crying here. पापा को कुछ नहीं होगा। ओ, एक और आ गया पापा का लेला। बेटा बड़ा। तेरे बेटे का कॉन्फिडेंस देख। दीदी, वरुण कहाँ जाता है? काम के अलावा किस किस से मिलता है तू कुछ जानती है? तू सुन नहीं रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या पूछ रहा है तू मुझसे? दीदी, अगर तुझे कुछ पता है कहाँ जाता है किस किस से मिलता है, मैं भेजता हूँ ना किसी को? कुछ नहीं पता ना, वो कहाँ जाता है किससे मिलता है। I just know there is something terribly wrong. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। दीदी, क्या हो गया? Is everything okay? जीजा जी घर नहीं आया, 6 घंटे से फोन ऑफ है, उसके भाई का फोन ऑफ, इसलिए दीदी वर्ड। उसको सी सेम चेक हो गया, उसने रूप जानती है अपने भाई को। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम कितने खुश थे यूएस में। I'm not happy here. Happiness is a decision, Gitanjali. Oh. Oh. हाँ. Shall we finish what we had started? पता नहीं हम क्यों यहाँ वापस आए। The attack on Mr. Balbir Singh, chairman of Swastik Steel, has shaken the corporate world and the entire country. So वो US चला गया था proper. Posing as पर वो वापस आया 7 years बाद. Shot Mr. Balbir Singh का attack. Point blank range at the Delhi airport. बाबा किसने हमला किया? मैं तो नहीं करूँगा. वो बिल्ली सिंह का बेटा हूँ ना. वो तेरी शक्ल पे नहीं लिखा है ना? तो फाइनली आ गया। तो पापा इज बेटर नाउ, डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं और बहुत सारे वीआईपीज वेट कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए। बताता हूँ तुझे कब मिल सकता है। बताओ, बेटे का नंबर लगवा रहा लाइन में, जाके नीचे बैठ। इस चीज का तो खुन्नस ही निकाला उसने उस पे। मेरे को वेट क्यों करवाया, कुछ भी कर सकता है भाई। स्वास्तिक स्टील के शेयर्स भी गिर रहे हैं और वो वेट कर भी रहा है। कुछ चीजें बहुत अच्छा है पर कुछ चीजें फिर बहुत वाइल्ड है। अब आया तू? इतने सालों में एक फोन कॉल नहीं किया तूने। पापा से लड़ाई थी ना, मुझसे तो बात कर लेता। आपने भी तो कभी फोन नहीं किया ना दीदी। स्टे आउट ऑफ इट। तुम्हारी शादी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया हमने दीदी। अभी तक सब कैसे हो? तुम कौन हो? तो दो बच्चे हो गए, स्कूल यूनिफॉर्म में दो लड़के बाइक पर थे। ये तो न्यूज़ भी बता रही है, इसके अलावा कुछ नहीं पता तुझे? भैया और दूसरा लड़का है इसका, ओए इसने उससे नहीं की शादी। थैंक गॉड यू बैक भैया, माय हस्बैंड गॉट ऑफ। वैसे देखते हैं उसको। सर से मिले आप? सर से? अब ये खुश हो गया, ये लायक है। पहली बार इंडिया में इतने बड़े इंडस्ट्रीज पर गोली चली है दीदी, ऐसे कैसे हो सकता कि किसी को कुछ नहीं पता? सुन तो फिर से वही स्कूल वाले मोड में मत जा। तुझे याद है ना, एक गलती की वजह से पूरी लाइफ चेंज हो गई थी तेरी। मुझे आज भी नहीं लगता कि वो मेरी गलती थी। शंकर, तू यहाँ क्या कर रहा है? 8 साल हो गए तेरे को देखे हुए।
पापा से मिला? नहीं। क्यों? और उन्हें बोला वेट करने के लिए। तू चल मेरे साथ। Finally. First look. कितने old लग रहे हैं ना इनको। Dark circles देख कितने सारे आ गए हैं। कुछ फील हो रहा है इनको अभी भी कि नहीं? नहीं शक्ल से दिख रहा है यार। अभी तो इनकी हालत भी नहीं है दोबारा चाटा मार पाए। And now is like यार मैंने गलती तो नहीं की इतने साल देखो दूर भगा के। वो एक टाइम बोलते हैं ना सारी लड़ाइयाँ आपको छोटी ही लगती हैं, उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, बाद में आपको लगता है क्यों फालतू में लड़ा इतना मैं। कब आया? आज सुबह आया पापा। कहाँ था अब तक? वो आप डॉक्टर्स के साथ थे ना तो I was asked to wait. किसने वेट कराया तुझे? It's okay पापा। मारान। गीतांजलि अबे कम बच्चों के साथ सीधा मिल रही है अभी सोच। पापा माय हाफ माय वाइफ गीतांजलि मेरे बच्चे। ओह कुछ नहीं देखा नमस्ते उन्होंने। नमस्ते बेटा। हाँ बेटा अब नमस्ते बोला, उस टाइम भी नमस्ते बोला तो जवाब नहीं दिया था। अकड़ थी ना तब तो बहुत। वो बच्ची बहुत क्यूट लग रही है। जब पहली गोली लगी तो तेरी आवाज सुनाई दी पापा वॉच आउट। जब दूसरी गोली लगी आई रियलाइज्ड आई वॉज अलोन। पापा आई हैव सीन यू विदाउट चेस्ट। ये सर्जरी के लिए शक क्या होगा? सर्जन लोग भी कंफ्यूज थे कि पहले जख्मों का इलाज करें या बाल काटें। ये तो इसकी फिटनेस अच्छी थी, दो गोली खाने के बाद भी ये भाग सका। वाओ सर प्लीज इट्स टाइम टू टेक रेस्ट नाउ सो प्लीज। वो कैसे मन हट जाओ यार बस बहुत हुआ जाओ बाहर जाओ। इतिहास ने अगर हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि कोई भी किसी को भी कभी भी मार सकता है। ये गार्ड्स पापा की सिक्योरिटी, पैसों के लिए गोली चला सकती है पर पापा के लिए गोली खा नहीं सकती। इस वक्त दुनिया में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एंड आई वांट एवरीवन्स फोन स्टैप्ड। ये वर्कर्स बहुत परेशान थे, काम बंद कर दिया। चाहिए इनको एक पंप भरने वाला। ओ यूनिफॉर्म में वाह। इसमें लीडरशिप क्वालिटी तो सारी है। हाँ वो तो है। व्हाट अ पोस्चर। शेर है मेरे पापा। दो गोली लगने के बाद भी कमर सीधी थी उनकी जब उनसे मिला। परिवार में किसी एक को चोट लगती है तो दर्द सबको होता है। आप सबके चेहरों पर परेशानी है, माथे पे शिकन है। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि मैं बलबीर सिंह का बेटा खुद यहां आऊं और पूरे स्वास्थ्य परिवार को बताऊं कि पापा अब सेफ है। आप सबकी दुआओं और प्रार्थनाओं के लिए मैं हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं। मैं यहां भाषण देने नहीं आया, सिर्फ ये आश्वासन देने आया हूं कि 3 महीने में मैं फिर लौटूंगा यहीं। इस बार पापा के साथ उनको आप सबसे मिलाने के लिए यही चाहिए। स्टील दुनिया की इकलौती कंपनी है जहां बाप बेटा दादा पोता साथ में काम करते हैं। आपने दुनिया को बता दिया कि शक्ति प्रगति विजय स्वास्तिक के लोगों में नहीं, स्वास्थ्य के लोगों के दिल में लिखा। इस कंपनी के कौन-कौन पे लिखा है? शक्ति आज बात है। जो हाथ आपने पापा के प्रार्थना के लिए उठाए हैं उन्हें फिर से काम पे लगाने का वक्त है। यह दिखाने का कि स्वास्थ्य ग्रुप सिर्फ कंपनी नहीं हमारा घर है।
और अगर हम पुल, सड़क, हवाई अड्डे बनाकर दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ सकते हैं, तो अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से उठाकर तोड़ भी सकते हैं। जो हाथ आसमान चूड़ी मारते बनाते हैं, जो हाथ लोहा पिघलाते हैं, वो दुश्मन के गले तक भी जाते हैं। वरुण ऑफिस नहीं जाना। मिस्ट्री तो बहुत करता है वो भी। ये मेरा वादा है आपसे, जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, वो कहीं भी हो, आकाश या पाताल, वो मनुष्य हो या राक्षस, चाहे उसे दिन छुपा या रात, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। Introduced himself only as Balbir Singh ka beta, openly threatened to cut the throat of the man who attacked his father. बहुत ज़्यादा। And ये best scene आते हुए। तो मतलब starting में बोला था वो paint वाले को नहीं बुलाया। तो उसके दादा जी के ना वो थे, like भाई के रिश्तेदार सब। ये लोग भी उसी गांव से हैं। तो ये उनको ही लेने गया। बलबीर सिंह का पुत्र बहुत सालों बाद आए। रिश्ता ना करा दिया। क्या सच है आपके पास अपने खुद के दो दो एयरप्लेन है? ब्याह हो गया तेरा? हाँ जी भाभी। ते बच्चे? एक मुंडा ते कुड़ी। ब्याह ते बुलाया नहीं सन? दो ही लोग थे जी शादी में। 20 साल होन हुआ तेरे प्यो नू कदी इन्ना टाइम नहीं लभ्या कि सानू एक फोन ही खड़का दिंदा। ओ यार पहचानिया मैनू? जता आहो। ओए पाली वे रे रे पिद्दे पिद्दे सी गुरु नहीं लग रहा हूं यार। इतने साल बाद कितना बड़ा हो गया मेरा यार। कदो आया? ओ की गल है बुटा पागल इधर मेनू फोन कर रहा है की मजदूरी पे गई पता चला गोरी किसने चलाई थी। सत श्री अकाल राफी। जुंदर है पुत्र, जुंदर है। कौन आवे तू? की चाहता है थे? पारी बलबीर चाचा का मुंडा। ओ कौन बलबीर? दारजी कौन है? पारी बलबीर चाचा। बलबीर सिंह? पर उन्हें तो गोली लगी सी, तू इत्थे की कर रहे हैं? मदद चाहिए। दा बलबीर सिंह नूं हुण साडी मदद दी लोड़ है। की चाहिए तैनूं साडे नाल? कड़ी मदद चाहिए? पापा के पास रिसोर्सेज है, सिक्योरिटी है, ऐसा कोई बंदा नहीं है पूरे सिस्टम में जो पापा का फोन ना उठाए। सब कुछ है, सिर्फ किसी के लिए वक्त नहीं है। और इसके लिए मैं माफी मांग लिया दर्जी, पर वो मेरे पापा है और ये गर्ल सब तुम ऊपर है, चाहे दुनिया बचे या खत्म हो जाए। दो गोली लगी है दर्जी, और किसी को नहीं पता अगली बार कब और कहाँ गोली चलेगी। साफ साफ बोल मेरे। मैं अपने टबर से, अपने प्राहों से, तुहाडे दिल, तुहाडा हौसला, तुहाडा जिगर मांगने आया हूं। मुझे पता है कि मैं इतने सालों बाद आपके सामने अचानक से खड़ा हूं, वो भी कुछ मांगने के लिए, और सिर्फ आप लोग ही हो जिसे मैं मांग सकता हूं। आगे करना क्या है? चलो मेरे साथ दिल्ली। भाजी आपको भाई, ओ यार मैंने दस्ता दिया करो यार, क्या स्पीच दी भाई आपने, फाड़ू एकदम, पूरे कॉलेज में चर्चा हो गए, मेरा भाई हीरो है। रिश्ते खत्म होया कितने साल हो गए, हुण एक कहानी सुन के साडे बच्चे उन्हां दे पिछे पिछे जाणगे। जब साडे मुरादा इंतकाल हो गया तो मैं उस मुंडे दे दादा नूं जिम्मेदार बनया। उहदे प्यो ने भी सानूं कदे लभण दी कोशिश नहीं कीती, वो तो रिश्ते जोड़ सकता था ना। रिश्ते तो तुम भी जोड़ सकते थे पुत्र। चंगी गल है पापा जी, पर लड़का एक जंग लड़न जा रहा है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਧੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਿਦਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦਰ ਗੁਲਾਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿੱਤੀ ਤੁਮ ਮਾਰ ਗਏ ਹੋ ਦੋ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਨੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਕੁਛ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੋਤਿਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਲੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਤਾਕਤ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਯਹਾਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈਓ ਕਾ ਹੌਸਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਈਏ ਨਾ ਭਾਈਓ ਕਿਸ ਕੋ ਪਾਲੀ ਵੀਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਚਟਾ ਕਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੰਡੂ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਆ ਕੱਲ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਪਾਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅੱਜ ਬੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਉਹਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇਗੀ ਕਿ ਭਰਾ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਤਾ ਤਾ ਮੈਂ ਛੱਪਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਸਾਰੇ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਅਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਸੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਖਣਾ ਪਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਐਸੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਸੇ ਪਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾਹ ਔਰ ਹਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਣੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਲਿਖੇਂਗੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਛੁੱਟ ਜੇਗਾ ਤੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਛੁੱਟ ਜੇਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਲੰਦਾ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਤੀਨੋਂ ਰੇਂਜ ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ बस तुम्हारा हो गया वो भी हैरान ये लोग कौन आ गए भाई आज के बाद एक खरोच भी आई दुनिया चला दूंगा बाबा एक खरोच भी आई और मेरे को लगता है उसको उससे ज्यादा टेंशन ये थी कि भाई अगर इन सबको देख के जो मुझे परेशानी होगी उसका क्या हाँ। और पता है ये ऐसा नहीं है कि ये एक फ्रेंडशिप शो कर रहे हैं कि एक फ्रेंडशिप है बट यू नो ये सिखों की खासियत होती है कि दे आर ऑलवेज ऑलवेज रेडी बलबीर सिंह को एक्चुअल टेंशन ये है कि मुझे खरोच आए वो अलग है पर उससे ज्यादा टेंशन ये है कि भाई जो यहाँ पे होगा ना वो मुझे परेशानी बहुत दे देगा हाँ और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फ्रेंडशिप शो कर रहे हैं ये सारे लड़के मिला के बट यू नो मेजर थिंग इज यहाँ पे ये मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करती बट ये सिखों की खासियत होती है कि दे आर ऑलवेज रेडी फॉर देयर फैमिली फ्रेंड्स मतलब मॉरली हो या फिजिकली मारपीट करनी हो लड़ाई झगड़े हो या किसी भी वे में बिकॉज दे आर ऑलवेज चिल एंड ही इज आल्सो वेरी चिल पर्सन और मेनली यहाँ पे संदीप रेड्डी मंगा का ना वो इंटरव्यू में देखा था उन्होंने बताया था कि भाई मैंने देखा है कि मिशन ने कॉमेडी में यूज किया जाता है सिखों को तो बोला मैं को ऐसे दिखाना था उनको और उसने फिर उसको इसी तरीके से दिखाया तो ये जो एक्वायरिंग सीन था ना ये बहुत बढ़िया था वो वहां जाके मिलना एंड फिर एकदम से 20 साल बाद मिलना और फिर उनका जुट जाना और कैसे बोलना कि नहीं भाई हम वो जो है वो पानी पे पानी से पानी लिखेंगे ये बहुत ही मतलब बड़ी बात हो गई यू नो कि टाइम कितना लगा बस थोड़ा सा बोला और वो स्पीच दी बट यू नो अंदर से होता है कि यार ये तो अमीर है तो बस इसको तो क्या है हम क्यों जाए इसके साथ ऐसा इन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया मतलब कितना यू नो दिल बड़ा चाहिए इस चीज के लिए सच में सही में और लाइक उनको पता भी है कि जान का खतरा भी हो सकता है उनको लेकिन फिर भी वो जा रहे तो क्या कमाल का सीन था आप लोगों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा ऐसे लाइक करते जाइए कमेंट करते जाइए शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए।